ये आज की जो मीटिंग की आपने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है इसकी मीटिंग? क्या देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सामूहिक सरकार है और उसको लेकर जिस तरीके से महेंद्रगढ़ की अनदेखी हो रही है, और आज इत्तेफाक से बाई चांस डिप्टी सीएम जी का कार्यक्रम बना है जो मूर्ति उद्घाटन का किया जा रहा है अचानक, उससे पहले जिस तरीके से महेंद्रगढ़ क्षेत्र में रोड है, स्वास्थ्य है और कई मामले हैं, इस तरीके गंभीर मामले कहूँगा मैं कि जिसकी 50 जाने जा चुकी हैं, ऐसे विषयों को लेकर हमने कई बार सरकार, प्रशासन और प्रशासन के लोगों को चेताया है, लेकिन अभी तक ना सरकार ने कोई उस पर एक्शन लिया है और ना ही वो चेते हैं। तो आज उसी विषय को लेकर कि डिप्टी सीएम के आने से पहले हम लोग अपनी बात किस तरीके से रखें और किस तरीके से सुनी जाए और वो काम करवाए जाएँ, आज हम एक आपत्ति दर्ज कराने आए हैं कि अभी तक मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए हुए थे, डिप्टी सीएम कहाँ सोए थे, हमारे क्षेत्र की क्यों इस तरीके से अव्यवस्था उन्होंने बनाई गई है। तो आज जिस तरीके से देवीलाल का उद्घाटन करने आए हैं, तो आज हमने अर्जेंट उनका कार्यक्रम तो बड़ा तौर से क्षेत्र के मुख्य सामाजिक संगठनों के साथ ये अर्जेंट मीटिंग बुलाकर और आज ये निर्णय ले रहे हैं कि हमारी मांगें जिस तरीके से रेजंगला पार्क यहाँ पर पहले अनाउंसमेंट किया गया था और जिस तरीके से 148 भी हाईवे का स्टेट और नेशनल का जो ड्रामा रचा जा रहा है उसके उस रोड को, दोनों विषयों को लेकर, और मामले तो यहाँ पर जैसे IMT और मुख्यालय जैसे अनेकों हैं, हॉस्पिटल वगैरह, लेकिन मुख्य दो मामलों को लेकर आज हम इकट्ठा हुए हैं और हम मांग करते हैं कि डिप्टी सीएम के आने से पहले उस पर स्थिति क्लियर की जाए कि इस क्षेत्र के दोनों रेजंगला जिस तरह पार्क और 148 बी स्टेट हाईवे का क्लियरेंस हमें मांगते हैं 30 तारीख से पहले, अन्यथा हम उसका विरोध करने के लिए हम उतारू वो खुद स्वयं कर रहे हैं। हम ना चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ हैं, ना उनकी सरकार के खिलाफ हैं, ना चौधरी दुष्यंत चौटाला जी के खिलाफ हैं, हम सब उनको मानते हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारी केवल मांग है समाज के यहाँ क्षेत्र के लोगों की, हमारी बात जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, इसी बात को लेकर हम इकट्ठे हुए। धन्यवाद। आज हमने जो ये सभा की है ये इसलिए किया है कि महेंद्रगढ़ को बहुत ही ज़्यादा पिछाड़ा जा रहा है, और भी आगे नया जमाना आगे बढ़ रहा है लेकिन महेंद्रगढ़ को पीछे घसीटा जा रहा है। आज भाई दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल की मूर्ति को रखने के लिए महेंद्रगढ़ दिखाई दे रहा है, सीधा चल के महेंद्रगढ़ मूर्ति रखने आ रहा है। आज से 4 साल पहले रेंजगला शौर्य स्मारक के बारे में मंजूरी हुई थी, मुख्यमंत्री ने किया था, रामविलास शर्मा जी ने भी ओपन किया था, उसके लिए उन्होंने अजीब अभी तक नहीं सोचा, उसके लिए पहले कि उसका क्यों नहीं पहले वो कार्रवाई करे। हम ये नहीं कहते कि मूर्ति क्यों रख रहे। दूसरी बात, ये जो महेंद्रगढ़ की जगह है ये देवीलाल पार्क के नाम पर जो है मंजूर ही नहीं है, बट अगर मंजूर है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं गलत हूँ तो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1997-98 में यहाँ पर आया था मंडी में, तो उन्होंने सिर्फ उस खाली जगह को देख करके ये बोला था कि यहाँ देवीलाल पार्क बना देते हैं। क्या उसी बात के ऊपर महेंद्रगढ़ की जमीन देवीलाल पार्क के लिए मंजूर हो गई? ये सरेआम गलत हो रहा है और हम नहीं होने देंगे। देवीलाल चौटाला की जो मूर्ति रखने के लिए दुष्यंत चौटाला रहा है वो बिल्कुल कानून से गलत है और हम नहीं लगने देंगे। हमारा रोड की क्या हालत है? रोज हमारे 2-3 जवान खत्म हो रहे हैं युवा, उसको बनवाने के लिए दुष्यंत चौटाला आज तक नहीं आया कि मैं रोड बनवा दूँ। 3-3, 4-4 पर मंजूर हो लिया फिर भी नहीं बनवाने के लिए आ लिया। इसलिए हम बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े। देखिए, मुख्यमंत्री पहली बार 9 अप्रैल 2016 को महेंद्रगढ़ में आए, उस समय हमने उनका कोई विरोध नहीं किया और उस समय उन्होंने महेंद्रगढ़ के लिए एक लंबी लिस्ट जारी करी थी जिस जो हमारे महत्वपूर्ण जो महेंद्रगढ़ के विकास कार्य है उनको लेकर उनका शिलान्यास किया था। उसके बाद में मुख्यमंत्री दोबारा से आए, 21 जुलाई 2018 को आए, 24 फरवरी 2019 को आए, तब भी हमने विरोध किया था। वो विरोध स्वरूप इसलिए था कि जो उन्होंने जिन कार्यों का शिलान्यास किया था उन पर काम शुरू नहीं हो पाया, और अब जो आज की जो बात है कि उप मुख्यमंत्री जो इस सरकार का सेकंड पार्ट है वो हमारे महेंद्रगढ़ ज़िले में ये सरकार बनने के बाद में लगभग 2.5 साल बाद पहली बार आ रहे हैं। वो जहाँ भी जिस भी ज़िले में जाते हैं लगभग 200-300 करोड़ रुपए की सौगात देते हैं, 20-30 सड़कें होती है जिनका उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। ये महेंद्रगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कोई किसी भी परियोजना का वो शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ के विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। यहाँ हालत ऐसी हो चुकी है कि जो कार्य बनकर, जैसे सब डिपो हमारा बनकर तैयार है, लेकिन वो सिर्फ एक मंत्री की या मुख्यमंत्री की इस बात की बाढ़ देख रहा है कि भाई कोई व्यक्ति सरकार का आए और उसका शिलान्यास करे। तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो अपने वंशजों की जैसे मूर्ति लगवा रहे हैं देवीलाल पार्क, जिनकी फाइल अभी अप्रूव नहीं हुई है, जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, वो काम पहले कर रहे हैं। इसके विपरीत जिस सड़क का 148 बी का जिसका टेंडर हो चुका,
उसका सरकार पिछले दो महीने से ये नहीं कह पा रही कि इसका वर्क ऑर्डर कब होगा, इस पर काम कब शुरू होगा। मतलब एक प्रकार से वो फाइल गुम सी हो गई है डिपार्टमेंट में जाकर जो स्वयं के पास है। तो हम ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पहले जो हमारी 148 करोड़ सड़क है इसका जब टेंडर हो चुका है तो उसका वर्क ऑर्डर क्यों नहीं करवाते। जो हमारा रेजांगला शहीदी स्मारक जो सरकार ने घोषणा करी थी और उसकी फाइल अप्रूवल होकर यहाँ आई हुई है तो उस स्मारक का भी वो साथ साथ शिलान्यास क्यों नहीं करके जा रहे। और जो सब डिपो जो बाढ़ देख रहा है जिसपे 6.25 करोड़ रुपए की लागत से जो बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है उसका शिलान्यास वो क्यों नहीं कर रहे। तो अगर ये काम हमारे नहीं होते हैं, हम सरकार मुख्यमंत्री को सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये तीनों कामों की जो फाइल है इसमें 10 मिनट का काम है वो या तो इन फाइलों की कल अप्रूव करे वरना उप मुख्यमंत्री परसों हमारे जिले में आएंगे तो हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारे ये कोशिश और प्रयास रहेगा कि हम उसको मेंदर हमारे जिले में नहीं घुसेंगे। जी विशेष आपने तीन जो मांगे इसमें मेंशन करी रेजांगला क्योंकि सब डिपो और 148 भी जो सड़क अपनी जमीन हमारा है बाकी इसमें जैसे सड़क अपनी जगह पर है सब डिपो अपनी जगह पर है, बात करें रेजांगला की तो रेजांगला रेंजांगला की जो फाइल है वो नगर पालिका से डीसी अप्रूवल होकर एसडीएम के पास ऑन टेबल है। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जिसका अभी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है जो देवीलाल पार्क की जिसकी वो ओपनिंग करने का शिलान्यास करने की बातें चल रही हैं उसका अभी धरातल पर कुछ नहीं है। तो जब उसका शिलान्यास हो सकता है तो जिस फाइल का सारा कंप्लीट काम हो चुका और जिस रोड का टेंडर हो चुका जो सब डिपो बन के तैयार हो चुका तो जब मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं तो मैं अगर घोषणाओं की बात करें तो बहुत लंबी है लेकिन उसमें तो वो कह देंगे कि भाई इसका हम पैसा दे देंगे इसमें अभी टाइम लगेगा। मैं उन बात मैं कार्यों की बात कर रहा हूँ जो जिनका सब कुछ तैयार है जिसके टेंडर हो चुके हैं या जो भवन बनकर तैयार हो चुका है या जिसकी फाइल अप्रूवल हो चुकी है उनकी बात करें। हम ये चाह रहे हैं कि जो तीन काम है इनमें सरकार को कुछ नहीं करना, टेक्निकल अब इसमें कोई इशू नहीं है, सब औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब सरकार की मनसा अगर पॉजिटिव हो तो ये काम जो है ना उप मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो इन तीनों कामों के चलना साथ हो सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो है काम तीनों के संबंधित उप मुख्यमंत्री जी कल कुछ एक्शन लें और हम ये चाहते हैं कि तो इनका सब कुछ काम पूरा है तो उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इनका शिलान्यास ही करके जाएं साथ साथ। अगर वो देवीलाल पार्क का शिलान्यास कर रहे हैं तो इन तीनों कार्यों का आपके सामने सब डिपो बन कर तैयार है मुख्यमंत्री उनका शिलान्यास करके चले जाएं। रेंजांगला का जो शहीदी स्मारक का पार्क है उनका कहीं भी वो शिलान्यास करके चले जाएं। और दूसरी बात जो 148 बी ओल्ड की है उसका टेंडर हो चुका है तो वो वर्क ऑर्डर करवा कर उसका भी विधिवत शिलान्यास करके चले जाएं। तो ठीक मेंदरड की जो तीन मुख्य जो समस्याएं हैं कम से कम उनका समाधान हो सकता है। मान लीजिए उन्होंने सांकेतिक रूप से बोल दिया कि ये आने वाले समय में हो जाएगा, कल उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी तो फिर उसके बाद विरोध नहीं स्टेटमेंट तो हमेशा होती रहती है। जब भी विरोध होता है तो सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से एक आश्वासन आ जाता है कि भाई इसका जो है कल कर देंगे अगले महीने में हो जाएगा, उसका कोई नहीं है। अगर उनके ऑफिशियल प्रोग्राम में जो चंडीगढ़ से डिक्लेयर होते हैं उनमें अगर शिलान्यास का इसमें नाम डलेगा तो हम संतुष्ट होंगे वरना उनका विरोध होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले जितने भी सरकारों की तरफ ध्यान देंगे जी सारी सरकारें दक्षिणी हरियाणा के सहयोग से बनी है और ज़्यादातर महेंद्रगढ़ के सहयोग से बनी है। अगर पर्टिकुलर महेंद्रगढ़ विधानसभा को भी मान लिया जाए तो इसके सहयोग से बनी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे पुरानी अन्य सरकारें हो चाहे संगठन की सहयोगी दलों की सरकारें हो, उस समय भी महेंद्रगढ़ के विधायक का सहयोग रहा चाहे चौधरी बंसीलाल की सरकार हो चाहे तो प्रकाश चौटाला की सरकार हो, सभी सरकारों में हमारी भागीदारी रही है। और आज परिस्थिति ये है कि पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बुरा हाल महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र का है। ऐसी कोई तो कमी रही होगी, ऐसी कोई तो बात रही होगी कि हमारी अनदेखी की गई। और मेरे जो समझ में आ रही वो ये है कि हमारे क्षेत्र के लोग शांत प्रवृत्ति के लोग, कोई भी किसी को कार्य भी कहते हैं तो हाथ जोड़ के मांगते हैं और शायद उन लोगों ने इस शांति के मार्ग को दूसरे वे में मान लिया कि ये बहुत निकृष्ट लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं इनकी और ये तो यूं ही हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, इनकी मांगने की क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है और उन्होंने कुछ दिया भी नहीं। अब इसी ज़िले में अन्य हल्कों में बरोबर में जो ज़िले हैं उनमें चाहे दादरी हो चाहे रेवाड़ी हो चाहे नारनौल हो सब जगह सड़कों का और सब चीज़ों का बढ़िया दोनों सरकारों ने मिलकर अच्छा काम किया है तो महेंद्रगढ़ में भी तो कर सकते हैं। हमने भी तो पिछली बार प्रतिनिधित्व दिया था भारतीय जनता पार्टी में, हमने भी तो बहुत बड़े कद के नेता को यहाँ से चुन के भेजा था तो क्या महेंद्रगढ़ की इतनी उपेक्षा करना सही रहेगा। और डिप्टी सीएम की रही बात,
डिप्टी सीएम साहब सरकार हैं हरियाणा की, और हमें उनका ना उनके डिप्टी सीएम होने से एतराज है ना उनका यहाँ आने से एतराज है। हमारा एतराज इस बात से है कि वो आ रहे हैं और वो जहाँ भी जाते हैं प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं बड़ी बड़ी सौगातें दे कर आते हैं, 100-200, 500-500 करोड़ रुपए के प्रोग्राम में दे के आते हैं, 10-20-15 सड़कों से कम वो किसी ज़िले में जाते उद्घाटन नहीं करते। तो आज महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं तो हम तो एक बहुत पुरानी बड़ी परेशानी की और 8 स्टेटों को जोड़ने वाली एक सड़क जो नारनौल से लेके और ये मान लो कि दादरी महेंद्रगढ़ बॉर्डर तक, कमाल की बात तो ये है कि सीएम डिप्टी सीएम साहब ने जो दादरी ज़िले में छोटा सा टुकड़ा बचा था उसके भी पैसे दे दिए, उसका भी काम चल रहा है। तो एकदम बिल्कुल सीधे शब्दों में हमें उपेक्षित कर दिया। डिप्टी सीएम साहब ने खुद 18 करोड़ रुपए दिए हैं दादरी ज़िले के दे दिए, अरे दादरी ज़िले के दे दिए हमें इस बात से भी खुशी है, लेकिन हम भी तो इस हरियाणा प्रदेश के लोग यार, वो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो दादरी ज़िले बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के डिप्टी सीएम हैं। दूसरी बात ये है, मैं कतई इस बात का विरोध नहीं करता, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके जो समर्थक हैं वो चाहे हमारे से भी नारे लगवाएं, हम उनकी जय के नारे लगाएंगे, बस हमारी जो मांगे हैं, अब रेजांगला शौर्य स्मारक है पूरी दुनिया में उनकी गौरव गाथाएँ गाई जाती हैं, हम ये कहते हैं कि रेजांगला शौर्य स्मारक की घोषणा हो चुकी, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, एक छोटा सा काम है उनका भी शिलान्यास कर दें। दूसरी बात, हमारे इलाके में चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उस रेजांगला शौर्य स्मारक में हम चाहे शहीद स्मारक के नाम से कर दें, हम सब के गौरव पट लिखेंगे, हम उनकी गौरव गाथा लिखेंगे, और जो लोग वास्तव में देशभक्त हैं जिनके मन में शहीदों के प्रति सम्मान है वो जाके उनके नतमस्तक होते रहेंगे। और आज कोई आदमी चाहे वो किसी भी पार्टी से, मैं किसी के विरोध और पक्ष की बात नहीं, लेकिन कोई आदमी अगर इस बात को भी गलत फील कर रहा है मेरे इलाके का, तो वो फिर शहीदों के सम्मान में कमी की बात है, फिर उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसको व्यक्ति पूजा से मतलब है, और उसको ना शहीदों से मतलब है ना इलाके से मतलब है। और मेरा निवेदन, मेरे जितने भी साथी जजपा के जो भी पदाधिकारी उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो भी ये मांग, क्योंकि उनसे संपर्क है डिप्टी सीएम साहब के, वो ये मांग रखें अपने इलाके का भला हो, और अगर उनके माध्यम से भी इलाके का भला होता तो उनकी भी हम जय जयकार ही करेंगे, उनका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो उससे अच्छा तो फिर वो बात है, कुछ भी ना मिले तो फिर विरोध के अलावा हमारे पास बचता भी क्या, फिर हमें विरोध करना हमारी मजबूरी। तो हमारी तो ये निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, डिप्टी सीएम साहब से, कि इन पे थोड़ा सा ध्यान किया जाए और कल तक हमें इस मामले में संतुष्ट कराया जाए। हम उस अगर हमारी ये तीनों मांगे पूरी होती हैं तो हम खुद डिप्टी सीएम साहब के स्टेज पे जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे, महेंद्रगढ़ पहुँचने पर उनको फूलमालाओं से उनका स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।